Everyone, welcome to my classes. So, today we are going to start the second poem of our poetry section, My Good Right Hand. So, here right hand refers to our hard work. This poem is composed by Charles Mickey, who was born on 27 March 1814 and died on ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर एटीन हंड्रेड एटी नाइन वाज ए स्कॉटिश पॉइट जर्नलिस्ट ऑथर नॉवलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर चार्ल्स मेकी जो है वो एक स्कॉटिश पॉइट थे जिनका जन्म जो है ट्वेंटी सेवन्थ मार्च एटीन हंड्रेड फोर्टीन को हुआ था एंड उनकी जो डेथ है वो हुई थी ट्वेंटी फोर्थ 1889 एटीन हंड्रेड एटी नाइन को उनको स्कॉटिश पोइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो जन्म है वो स्कॉटलैंड के पर्थ में हुआ था इसलिए उनको स्कॉटिश पोइट कहा जाता है जो कि क्या थे एक जर्नलिस्ट यानी एक पत्रकार थे ऑथर एक लेखक थे नॉवलिस्ट एक उपन्यासकार थे एंड सॉन्ग राइटर और उन्हें गीतकार भी कहा जाता है यानी वो एक गीत भी लिखते थे मैके इज़ मैनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजनस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स चार्ल्स मैके ने जो है एक बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और वो लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी तो उस बुक के लिए जो है उन्हें याद किया जाता है जिसका टाइटल क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स सो दिस पोएम टेल्स अस थ्री थिंग्स फर्स्ट इज़ यू शुड बिलीव इन गॉड एंड योर ऑन हार्ड वर्क सेकेंड इज अ फ्रेंड इज़ वन वो फ्रेमली स्टैंड विथ अर्स इन आर बैड टाइम्स एंड थर्ड इज आर वर्क हार्ड इज आर ट्रू फ्रेंड दैट विल नेवर डिजर्ट अर्ज हमारा जो हार्ड वर्क है वो हमें क्या करता है वो हमारा एक सच्चा मित्र है और वो जो है हमें विपत्ति के अंदर कभी भी नहीं छोड़ता है सो लेट्स रीड अबाउट इट अबाउट द पोएम द पोएम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव ये जो पॉइम है बेसिकली ये जो पॉइम है वो किसके बारे में है कि इसकी जो थीम है मेन जो थीम है वो है पॉवर्टी यानी गरीबी जो है इसकी मेन थीम और इसको कैसे दूर किया जा सकता है सो द ओनली वे टू रिमूव इट इज हार्डवर्क तो इसको दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है एक ही उपाय है और वो क्या है आपका हार्डवर्क वेन द पॉइट फेल इन ग्रिफ जब कवि जो है वो दुख में गिर जाता है यानी वो दुख जो है दुखों का पहाड़ जो है उसके ऊपर टूट पड़ता है सम एडवर्सिटी और कुछ विपत्तियां जो है वो उसके सामने आ जाती है ऑल हीज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव डिजर्टेड हिम उसके जितने भी रिश्तेदार हैं जितने भी उसके मित्र थे सबने उन सब ने क्या किया उसे डिजर्ट कर दिया यानी सबने उसका साथ छोड़ दिया नो वन कैम टू हेल्प हिम कोई भी जो है उसकी मदद के लिए नहीं आया ही फाउंड Only lip sympathy from them. उसने क्या पाया कि लोग जो है या फिर थोड़ी बहुत जो है सहानुभूति दिखाते हैं द पोइट थिंग्स दैट ट्रस्टिंग द अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग तो यहाँ पर पोइट ये कहता है कि वो लोग क्या करते हैं सिर्फ मुझे लिप सिंपति देते हैं बट जब धन की बात आती है जब मनी की बात आती है तो वो लोग क्या करते हैं उस चीज़ से आ, डरते हैं कि उनका जो पैसा है वो पैसे के थ्रू जो है पोइट की मदद नहीं करते हैं तो पोइट यहाँ पर कहता है कि आ, ट्रस्टिंग अदर पीपल लोगों के ऊपर जो है दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास करना चाहे वो कैसा है इज़ लाइक बिल्डिंग अ कास्टल ऑन सन रेत पर जो है महल बनाने की जैसा है जैसे ही अगर हम रेत पर महल बनाते हैं तो समुद्र की लहरें आकर उन्हें क्या कर देती है उन्हें वाइप आउट कर देती है यानी मिट्टी का जो महल बनाया जाता है वो कितनी देर तक चल सकता है तो ऐसा ही जो है लोगों पर विश्वास करना भी ऐसा ही हो गया है देयर फोर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड इसीलिए वो क्या करता है भगवान पर विश्वास करना शुरू करता है एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाई हिमसेल्फ और वह कठिन परिश्रम जो उसके द्वारा किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उन दो ही चीजों पर विश्वास करता है विद दिस रियलाइजेशन हिज करज रिटर्न इन हिम और जब वो इस बात को महसूस करता है तब उसका जो साहस है वो वापस से आ जाता है ही ओवरकम हिज सौर बिकम प्रोस्पेरियस। वो जो पर, पर कठिन कर पर परिश्रम करता है तो उसका जो कठिन परिश्रम है वो उसे उसके दुख से और उसकी पीड़ा से उसे मुक्त कर देता है उससे उबार कर ले आता है लेट स्टार्ट द फर्स्ट एंजाम आई फेल into टू ग्रीफ एंड बिगेन टू I आई फेल grief. ग्रीफ ग्रीफ का मतलब यहाँ पर सॉरू फेल का मतलब है गिर गया आई फेल इन टू ग्रीफ मैं जो है दुख में गिर गए या मुझ पर जो है विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि मैं पहले से गरीब था और मेरे ऊपर जो है विपत्ति आ गई मैं दुख में गिर गया एंड बिगेन टू complain. और मैंने क्या किया शिकायतें करना शुरू कर दिया आई लुक फॉर अ फ्रेंड मैंने एक मित्र की तलाश की पोइट जो है यहाँ पर क्या करता है जब वो दुख की स्थिति में आ जाता है जब विपत्तियाँ उसके पास में आती है तो वो एक मित्र की तलाश करता है बट आई सॉट हिम इन वैन लेकिन वो इसको क्या पाता है इन वैन यानी बिल्कुल व्यर्थ पाता है क्योंकि उसकी जो मित्र की तलाश होती है वो व्यर्थ होती है कंपेनियंस वर शाय उसके जो कंपेनियंस थे जो उसके साथी थे वो शाय थे यानी उसकी जो हेल्प करने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे बट अक्वेंटेंस वर कॉल्ड एंड अक्वाइंटेंस वर्क कॉल और जो उसके परिचित थे वो कैसे थे वो भी जो है उस वो शांत थे वो भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे दे गेव मी गुड कंसोल उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जो है गुड कंसोल दी यानी सिर्फ उन्होंने मुझे जो है सहानुभूति दी अच्छी बट ड्रेडेड देयर गुड लेकिन मुझे धन देने में या मेरी धन धन देकर मेरी सहायता करने से वो डरते थे तो यहाँ पर जो है पोइट ये कहना चाहता है कि जब उसके पास में जब विपत्ति का समय आया तब कोई भी उसके पास में नहीं था कोई भी उसकी जो है मदद नहीं करना चाहता था लेकिन वो सिर्फ क्या करते थे सिर्फ और सिर्फ जो है उसे लिप सिंपत्ति देते थे यानी जब वो अपनी पॉवर्टी का जो है जब वो उसको डिस्क्राइब करता है तो यहाँ पर जो है पोइट अपनी जो सेल्फिश जो फ्रेंड्स है और जो उसके सेल्फिश जो रिलेटिव्स है उनका बिहेव जो है उस समय उसके साथ में कैसा रहता है ये स्टेंजा के अंदर जो है वो ये बताता है सेकेंड स्टेंजा लेट देम गो आई एक्सक्लेम लेट देम go, उन्हें जाने दो यहाँ पर जो देम वर्ड आया है वो यूज़ किया गया है पोइट के फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स के लिए लेट देम गो उन्हें जाने दो आई एक्सक्लेम्ड मैंने विस्मयपूर्वक कहा मैंने जो है विस्मयपूर्वक ये कहा कि उन्हें जाने दो आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइट मेरे पास जो है मेरा भी एक मित्र है टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बी टाइड जो कि जो है मेरे पास में कितनी ही चाहे मुसीबत आ जाए वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा बिटाइड का मतलब होता है चाहे उसके साथ में कुछ भी हो जाए वो मुझे ऊपर उठाएगा और मुझे जो है कभी भी छोड़ेगा नहीं वो मेरी क्या करेगा हमेशा मदद करेगा एड का मतलब होता है हेल्प करना टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सेंड टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इस संसार पर जो है भरोसा करना यहाँ पर संसार से मतलब है कि जो लोग रहते हैं संसार के अंदर जो दुनिया में लोग रहते हैं जो उसके आसपास हैं जो उसे इतनी लिप संपत्ति देते हैं उसे सहानुभूति देते हैं उन पर जो है ट्रस्ट करना उन पर भरोसा करना कैसा है बिल्ड ऑन द सैंड मिट्टी पर महल बनाने के जैसा है जिस प्रकार मिट्टी पर महल बनाया हुआ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता वैसे ही दूसरे लोगों पर विश्वास करना भी व्यर्थ है आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड इसीलिए मैं क्या करूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ हेवन पे हेवन यहाँ पर जो है रेफ़र करता है किसको गॉड को रेफर करता है इसीलिए पॉइंट ये डिसाइड करता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पर विश्वास करूँगा और मेरा जो गुड राइट हैंड है यानी मेरा जो दाई ना हाथ है मैं मात्र उस पर ही विश्वास करूँगा तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस टेंजा में जो है उसको बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास करने पर उसको बहुत ज़्यादा जो है दुख का अनुभव होता है और वो जो है उनको जो है छोड़कर कठिन परिश्रम और भगवान पर भरोसा करने का संकल्प लेता है यहाँ पर वो ये बात कहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड कि लोगों पर विश्वास करना किसके जैसा है मिट्टी पर महल बनाने जैसा है जैसे मिट्टी पर बनाया हुआ महल जो है वो बिल्कुल व्यर्थ होता है वैसे ही लोगों पर विश्वास करना भी कैसा है बिल्कुल व्यर्थ है थर्ड स्टैंड माई करेज रिवाइव इन माई फॉर्चुन्स डिस्पाइट माई फॉर्चून्स डिस्पाइट का मतलब होता है मेरे दुर्भाग्य के होते हुए भी माई करेज रिवाइव मेरा जो आ, साहस है वो रिवाइव हो गया यानी वो वापस से जीवित हो गया क्यों क्योंकि उसने क्या कर लिया अपने अंदर ही उसने एक संकल्प ले लिया कि मैं अपने ऊपर और मेरे ऊपर यानी जो मैं काम करूंगा जो कठिन परिश्रम करूंगा उस पर और सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर ही मैं इसका मैं विश्वास करूँगा बाकी अन्य लोगों पर नहीं करूँगा इसके बावजूद जो है मेरे दुर्भाग्य के होने के बावजूद भी जो है मेरा जो साहस है वो वापस से लौट आया एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज़ माई स्प्रिट वॉज लाइट और मेरा जो हाथ है यहाँ पर जो है पॉइंट ये कहता है कि मेरा जो हाथ है वो उतना ही मजबूत था जितनी कि मेरे आत्मा खुश थी यानी मेरा जितना मन प्रसन्न था उतने ही मेरे हाथ जो है मजबूत थे क्यों क्योंकि वो जो है अब उसने ठान लिया था कि वो अब हार्ड वर्क करेगा और इन लोगों पर भरोसा नहीं करेगा

इट फैड मी इसने मुझे खिलाया एंड क्लेड मी मुझे वस्त्र पहनाए अगेन एंड अगेन जब जब भी मेरे पास में विपत्ति आई तब तब इसने जो है मेरी सहायता की तो यहाँ पर जो है ये कहता है कि लोगों पर विश्वास करना तो बेकार है मैंने जो संकल्प लिया है उससे जो है मेरी पूरी जीवन जो है वो बदलने वाला है तो पॉइट यहाँ पर ये यह कहता है कि ये यह यहाँ पर पॉइट जो है वो संदेश देना चाहता है वो हमें एक मैसेज देता है कि हमारा जो कठिन परिश्रम है वो ही हमें सब कुछ देता है अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा मैंने जब पर, कठिन परिश्रम किया पॉइट कहता है कि मैंने जब कठिन परिश्रम किया तो मुझे उससे भोजन मिला कपड़े मिले मेरी जो है हैप्पीनेस वो वापस आ गई मुझे एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिला मुझे एक संतुष्टि मिली तो पॉइट का यही मैसेज है कि हमें जो है वो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा नेक्स्ट स्टेंजा द फ्रेंड्स वू हैड लेफ्ट वू हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरी वन द फ्रेंड्स वो मित्र जो वूल हैड लेफ्ट मी जिन्होंने मुझे छोड़ा था कैम्प बैक एवरी वन सबके सब वापस आ गए और सबके सब वापस क्यों आ गए क्योंकि अब जो है पोइट वो प्रॉस्पेस बन गया है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध बन गया है उसके पास में भी अब खुशी है क्यों क्योंकि उसने मेहनत की है मेहनत करके उसने सब कुछ कमाया है तो वो जो फेक पीपल थे वो जो झूठे लोग थे वो जो है वो वापस आ गए हैं एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुकड ब्राइट एज द सन और वे सलाहकार जो मुझे झूठी सलाह देते थे जो झूठी सहानुभूति देते थे वो जो है वो अब मेरे इर्द गिर्द कैसे चमक रहे हैं बिल्कुल सूर्य की जो सनलाइट होती है जो रोशनी होती है उसी की भांति जो है वो भी मेरे इर्द गिर्द चमक रहे हैं आई नीड दैम नो मोर them जो है मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर डैम रेफर करता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को आई नीड दैम नो मोर मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है एज दे ऑल अंडरस्टैंड जैसा कि वे भी समझते हैं इस बात को आई थैंक दी आई ट्रस्ट दी माई राइट माई गुड राइट हैंड मैं तुम पर मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ मैं तुम पर विश्वास करता हूँ माई गुड राइट हैंड मेरे कठिन परिश्रम यानी माई गुड राइट right हैंड यानी मेरा जो मेरा जो अच्छा दाइना हाथ है मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ सो so, इस पोएम से हमें यह सीखने को मिला है कि हमारा जो हार्ड वर्क है वो ही हमारा एक ट्रू फ्रेंड है जो कि हमें किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ेगा सो हियर आर द टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट एंड राइट इट द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड पॉइट फॉल इन टू ग्रिफ कवि जो है वो दुख में क्यों गिर गया बिकॉज ऑफ हिस पॉवर्टी अपनी गरीबी के कारण जो है वो विपत्ति में पड़ गया वो दुख में गिर गया सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द पोइट सर्च फॉर अ फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस कवि की एक मित्र की तलाश व्यर्थ क्यों गई क्यों गई क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने क्या किया सिर्फ उसको लिप सिंपती दी सिर्फ उससे जो है सहानुभूति दी बट किसी ने जो है उसकी पॉवर्टी में उसकी गरीबी को दूर करने में मदद नहीं की तो उसकी जो आ, सर्च थी वो इनवैन हो गई यानी वो जो है व्यर्थ ही चली गई थर्ड क्वेश्चन वो इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पॉइट हैप्पी वह मित्र कौन है जो कवि की सहायता करता है और उसे प्रसन्न प्रसन्न कर सकता है सो द ओनली फ्रेंड Is his good right hand means his hard work? Fourth question is. फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड द पॉइट फील डिसअपॉइंटेड कभी जो है वो निराश महसूस क्यों करता है क्यों करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में होता है उसकी गरीबी के कारण जो है वो बहुत दुख में होता है और उसके जो फ्रेंड्स थे जिनको वो अपना दोस्त मानता था वो जो है उसकी मदद नहीं करते हैं तो इसीलिए पॉइट जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वाट वाज द रिजल्ट ऑफ पॉइड हार्ड वर्क कवि की कड़ी मेहनत का क्या परिणाम निकलता है उसका क्या नतीजा निकलता है तो क्या होता है उसके जितनी भी सोरो एंड पेन है वो सब क्या हो जाते हैं वो वैनिश हो जाते हैं वो धुल जाते हैं उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो जो है प्रॉस्पेरिस हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट जो है वो बन जाता है सो so, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके आपको जो है आंसर्स देने हैं थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स के अंदर अब हम पढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईज इन सिक्सटी वर्ड्स ये जो क्वेश्चन आंसर आएंगे इनका आपको सिक्सटी वर्ड्स में आंसर देना है फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डेड द पोइट ओवरकम हिज फियर ओवरकम हिज सैडनेस कभी जो है अपने दुख को कैसे दूर करता है तो यहाँ पर मैंने पूरा जो है इसका बनाया हुआ है विथ और इसकी जो है हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने इसमें दी है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डज द पोइट नीड वाई uh, why does the poet not need the friends anymore कवि को मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उसका मित्र कौन बन चुका है उसका वर्क बन चुका है क्यों क्योंकि जब उसको पता चला कि ये जितने भी जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे सिर्फ लिप सिंपती देते हैं जो सिर्फ झूठी सहानुभूति देते हैं सिर्फ मुझे एडवाइस करते हैं वो जो है वो तो सेल्फिश है वो मेरी किसी प्रकार से उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो उसने जो है ये वो इस बात को जानता है कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना कैसा है मिट्टी पर महल बनाने की जैसा इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क पर फैसला अपने हार्डवर्क पर जो है वो भरोसा करता है इसीलिए अब जो है उसे दूसरे दूस, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दी है तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है ये चार नंबर की आती है जिसमें जो है आपको तीन चीज़ें लिखनी पड़ती है फर्स्ट है रेफरेंस सेकेंड है कॉन्टेक्स एंड थर्ड है एक्सप्लेनेशन रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना होता है सबसे पहले रेफरेंस के अंदर आपको जो है बताना होता है कि ये जो पोएम है इस पोएम का क्या नाम है और ये पोएम जो है वो किसके थ्रू कंपोज की गई है सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड एंड कंपोज बाय सी मैके यानी चार्ल्स मैके के थ्रू ये लिखी गई है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आपको उस स्टेंजा को पढ़ने से क्या चीज़ जो है वो समझ में आई वो आपको एक से दो लाइन के अंदर लिखनी होती है थर्ड जो है एक्सप्लेनेशन का है तो एक्सप्लेनेशन में जो है आपको लाइन टू लाइन जो है उसको उसको पूरा समझाना पड़ता है और उसे लिखना होता है ये चार नंबर का आता है तो यहाँ पर मैंने लाइन टू लाइन जो है हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी है आप इसको जो है राइट कर सकते हैं ये जो है आपका सेकेंड जो स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन है और ये जो है ये आपके थर्ड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है ये आपका फोर्थ स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स की यानी ये जो पॉइम है वो हमें क्या मेन पॉइंट्स देती है क्या हम जो है इससे सीख सकते हैं ऑल फ्रेंड्स एक्टेंस एंड रिलेटिव प्रूड सेल्फिश एंड फॉल्स तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता चलती है कि उसके जितने भी मित्र थे जितने भी उसके जान पहचान वाले परिचित लोग थे वे सब क्या निकलते हैं बिल्कुल सेल्फिश निकलते हैं और वे झूठे होते हैं दे डिजर्टेड द पोइट वैन ही नीडेड देयर हेल्प और वे उस वक्त जो है पोइट को छोड़ देते हैं जब पोइट को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है द सेकेंड पॉइंट इज हिज हार्डवर्क एंड सेल्फ हेल्प मेड हिम प्रॉस्पेरियस तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसका जो हार्डवर्क है जो कठिन परिश्रम वो करता है वह उससे सेल्फ हेल्प मेड बना देते हैं और बना हैं भी बन जाता है और वो इंडिपेंड भी हो जाता है और खुद पर निर्भर होता है आत्मनिर्भर बनता है वो सेल्फ हेल्प मैड बन जाता है थर्ड मेन पॉइंट ऑफ द पोयम ही स्टार्टेड बिलीविंग ओनली इन गॉड एंड हिज गुड राइट हैंड तो थर्ड मेन पॉइंट क्या है कि पोइट जो है वो यहाँ पर इस ट इस पोएम के अंदर जो है अपने आप पर अपना जो कठिन परिश्रम है उस पर और सिर्फ भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देता है फोर्थ पॉइंट इज हिज गुड राइट हैंड रेस्ट हिम ओवर हिज पॉवर्टी सोरोस एंड पेंस उसका जो गुड राइट हैंड है यानी उसका अच्छा जो जदाइना हाथ है उसका जो कठिन परिश्रम है रेस्ट हिम उसे जो है ऊपर उठा देता है ओवर हिज पॉवर्टी उसकी गरीबी से सोरोस एंड पेंस उसके दुख और पीड़ा से फिफ्थ पॉइंट इज़ हिज प्रॉस्पैरिटी एंड सक्सेस ब्रॉट ऑल दो सेल्फिश एंड फेयर वैदर फ्रेंड्स एंड अकोडेंट्स बैक टू हिम अगेन उसकी जो हार्ड वर्क है तो उससे जो है उसको प्रॉस्पैरिटी जो मिलती है उसको जो समृद्धि मिलती है जो सक्सेस उसको मिलती है जो सफलता मिलती है उससे जो है उसके जितने भी स्वार्थी जो मित्र थे जो मतलबी मित्र थे और जो उसके अक्वेटेंस uh, थे जो परिचित थे वो सब जो क्या होते हैं उसके जब हैप्पीनेस के जब डे जाते हैं तब वो सब जो है उसके साथ में आ जाते हैं।